किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे कहानी की। ये कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सफलता तरक्की चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी यदि आपको सफलता तरक्की नहीं मिल रही है तो इस कहानी को समझें। ये कहानी आपकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। किसी गांव में राम नाम का एक नवयुवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, हमेशा पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन कभी भी अपने काम में सफल नहीं हो पाता था। धीरे धीरे उसके मन में एक शंका बैठ गई कि वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल होगा या नहीं होगा। हमेशा इसी परेशानी में चिंता में रहने लगा। कभी कभी इतनी चिंता हो जाती थी कि आवेश में आ जाता था, दूसरों पर क्रोधित भी हो जाता था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा, उसकी चिंता बढ़ती ही गई, लेकिन उसको उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। लगातार मेहनत करने के बाद भी उसको कोई फल नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद कोई साधु महात्मा उसकी मदद कर दे, शायद कोई पंडित जोशी उसकी मदद कर दे, जिससे उसकी ज़िंदगी में सफलता आ जाए। अब वो इस वजह से अनेक ज्योतिषियों, अनेक पंडितों और अनेक महात्माओं के पास जाने लगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में अच्छे और सच्चे लोग कितने हैं ही, तो उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे वो और ज़्यादा परेशान होने लगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक लोग से दूसरे लोगों के पास जाने में ही उसका समय बीतता रहा। एक दिन उसके गांव में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा का आगमन होता है। अब जैसे ही उसको ये खबर मिलती है तो वो उस महात्मा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और जाकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा ने उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने बताया कि महात्मन, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। लोग कहते हैं बहुत मेहनत करोगे तो तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं अनेक महात्माओं के पास गया, अनेक साधुओं के पास गया, अनेक तांत्रिकों और ज्योतिषियों के पास भी गया, लेकिन कोई भी मुझे सफलता नहीं दिला पा रहा। किसी के उपाय से, किसी के आशीर्वाद से भी मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा हूँ। इसकी वजह से मैं अपने कार्य पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ। मुझे जरा जरा सी बात पर गुस्सा आने लगता है और मैं बेवजह ही अपने दोस्तों, अपने घर वालों या अपने नौकरों पर चिल्लाने लगता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सफलता मिल जाए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन यदि मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे। तब राम के मन में आता है कि अब तक जितने भी महात्मा, ज्योतिषी, तांत्रिक मिले, उन सभी ने मुझसे कुछ ना कुछ लिया, लेकिन ये महात्मा मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहे, तो क्यों ना मैं इनकी बातों को पूरी तरह से मान लूँ, हो सकता है कि मेरा कुछ भला हो जाए। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुमको एक चमत्कारी ताबीज़ दूंगा। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख कर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा दूर कर देंगे, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी शर्त है। अब राम उस चमत्कारी बाबा की उस बात को सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी अपने जीवन में एक बहुत बड़े चमत्कार की ही उम्मीद कर रहा था। उसे लगा कि ये महात्मा तो मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, निश्चित रूप से ये सच्चे हैं और इनकी जो भी ये चमत्कारी ताबीज मुझे देंगे उससे मुझे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। तब राम उनसे कहता है कि ठीक है महात्मा जी, मैं इस चमत्कारी ताबीज के लिए आपका बताया कोई भी काम कर सकता हूँ। तब महात्मा उसे कहते हैं कि इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी।
शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन जब उसके मन में उस चमत्कारी ताबीज का ख्याल आया तो लालच के मारे कांपते हुए उसने कहा कि मैं अकेले पूरी रात शमशान में कैसे रह सकता हूँ। तब उस महात्मा ने कहा कि घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, ये हर संकट से तुम्हें बचा लेगा। लेकिन इसको सिद्ध करने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें एक पूरी रात शमशान में बैठना होगा। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि तुम पूरी रात शमशान में इस ताबीज के साथ गुजार के आ जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब महात्मा जी के कहे अनुसार राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास पहुंच गया और कहा, हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच ये ताबीज दिव्य हैं, वरना मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति के लिए रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी जाना संभव नहीं था। निश्चय ही अब मैं ज़रूर से सफलता प्राप्त कर लूँगा। अब इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे पूरे विश्वास के साथ करता, क्योंकि उसे ये पता था कि उसके पास एक सिद्ध चमत्कारी ताबीज है। उसे ये भी लगने लगा था कि ताबीज की शक्ति ही उसमें आ गई है और जिसकी वजह से अब वो ज़रूर सफल होगा। और धीरे धीरे यही हुआ। अब वो गांव के सबसे सफल व्यक्ति में गिना जाने लगा। इस वाक्य के करीब 3 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके चरणों में गिरकर उन्हें बहुत सारी भेंट दी और उनको धन्यवाद देते हुए कहा कि हे महात्मन, आपने ये जो चमत्कारी ताबीज दिया था और इनके मंत्रों की शक्ति की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया। अब मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया हूँ। तब महात्मा जी बोले, बेटे, ज़रा अपना ताबीज़ निकाल कर आप मुझे देना। तब उसने उन्हें अपना ताबीज़ दिया। तब उस महात्मा ने वो ताबीज़ हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कुछ भी नहीं था, वो तो बस धातु का एक टुकड़ा था। राम बोला, तो महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर आखिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि राम, तुमने सही कहा, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है और वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं था, खुद पर ही विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया कि निश्चित रूप से तुम जो भी काम करोगे सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तो उस यकीन ने इस ताबीज को भी सिद्ध कर दिया। तो याद रखो कि यकीन तुम्हें अपने कर्म पे रखना है, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे जो निर्णय हैं, उस पर विश्वास करना सीखो और इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और जब भी कोई बुरी से बुरी परिस्थिति भी आए तो उसमें अपना धैर्य मत खो, विश्वास के साथ अपने कार्य को करते रहो और निश्चय ही तब तुम सफलता के शीर्ष पर ज़रूर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो सबसे पहले अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वो खुद पर विश्वास कर लेता तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, सफलता और असफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थरों की अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है, माला या ताबीज की भी जरूरत नहीं है। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से संसार की सारी शक्तियाँ आपका साथ ज़रूर देती हैं। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और सफलता पाइए।